What's up guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है दुष्यंत और आप लोग देख रहे हैं Red कीता सी अलर्ट पूरा टाउन नी तेरे आला होया अंडरग्राउंड नी TikTok हो चुका है बैन। ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है और मैं इसके साथ हूँ। TikTok ने मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिया, आप लोगों से मिलाया, 2 महीने में 2 मिलियन की स्ट्रॉन्ग फैमिली दी। बट सिर्फ उसी को लेकर अगर मेरे देश के जवानों पर गोलियां चल रही हैं तो वो चीज भी सही नहीं है। जब न्यूज मिली थी कि TikTok बैन हो चुका है तो मैं ज़्यादा शौक नहीं था। एक्चुअली पता तो था कि TikTok बैन होगा, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थोड़े से डिसीजन ज़्यादा फास्ट लेते हैं, बट मोदी तो मोदी जी हैं। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आँख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। TikTok जो बैन हुआ है वो नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में तो हुआ ही है, बट इसके और भी बहुत सारे रीजन है। आपको भी पता है कि TikTok पे कभी क्रिएटर्स कुछ ना कुछ कर देते थे, मृदुल मधोक और शकला का बूम बूम। कभी रिलीजन वाले चक्कर में बहुत ज्यादा सीन हो जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करके। और कभी TikTok का देश मतलब चाइना वो कहीं ना कहीं उंगल उंगल करता रहता था, तो इस चक्कर में भी TikTok कॉन्ट्रोवर्सी में बना रहता था। और सबसे बड़ी बात कंटेंट की, तो यार कंटेंट तो आपको पता ही है। अच्छा भी कंटेंट बहुत था और बुरा शायद बुरा ज्यादा था। गाइस साइंस सन्नी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक बंदा कहता है सन्नी आप लौंडा या लौंडिया हो। यार बंदा कंफ्यूज है, बताओ इतने दिनों से वीडियो नहीं देख रहा कि मैं लौंडा हूँ कि लौंडिया हूँ, पागल इंसान। बट हमने अच्छे को अप्रिशिएट नहीं किया और बुरे को हमने हमेशा टॉप पर रखा। जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। अब आते हैं उनकी बात जो मेरे नोन है, मतलब जिन्हें मैं जानता हूँ। तो TikTok के बैन होने के बाद उन्होंने एकदम से मेरे को फोन किया सामने में, भाई TikTok बैन हो चुका है, अब तू क्या करेगा? भाई TikTok बैन हुआ है, मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं हूँ। मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा है, वो यहाँ भी चलेगा क्योंकि मेरा कंटेंट एकदम रियल है, वो मिडिल क्लास के लिए है वो, और वो चलेगा। टेंशन लेने की उनको जरूरत है जो लिपसिंग करते थे, जो कंटेंट चोरी करते थे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो लोग यूट्यूब पर नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसलाइक का बटन है। और TikTok बैन हो गया तो क्या, मैं 2018 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जब से मैं TikTok पर था भी नहीं। मैं इंस्टाग्राम के इनिशियल ब्लॉगर्स में से एक हूँ। जो लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि TikTok बैन हो गया अब दुष्यंत बर्बाद हो जाएगा, भाई मैंने कभी TikTok से पैसा कुछ कमाया ही नहीं। जो मैंने कमाया वो है मेरी जनता का प्यार, मेरी मिडिल क्लास फैमिली और कुछ नहीं। TikTok पे मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हुई थी, 2 महीने में 2 मिलियन, और उसी तेज़ी से मेरे पास कोलैबोरेशन आना स्टार्ट कर दिया। जो चाइनीज ऐप्स थी ना, हेलो और रेजो, तो ये लोग मेरे को एक वीडियो के 10,000 रुपये दे रहे थे, और ऐसा 12 वीडियोस का मंथली कॉन्ट्रैक्ट था, शायद 3 से 4 महीने का था, जो कि मैंने नहीं लिया। मतलब 1,20,000 रुपये महीना मैंने छोड़ दिया। किस चक्कर में? ताकि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मैंने आपको हमेशा क्लीन कंटेंट दिया, तो TikTok से मैंने कभी पैसा कमाया नहीं। 2 महीने में मैं 2 बार ही लाइव आया हूँ, उसके शायद 2,000 रुपये समथिंग उसमें पड़े होंगे TikTok के, मैंने वो भी नहीं निकाले। तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं TikTok से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, मैं TikTok से कभी पैसे कमाया ही नहीं। प्रॉब्लम मुझे किस चीज़ से, वो है जो मैंने 20 लाख लोगों का प्यार कमाया था ना, वो छूट जाएगा। और जो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते थे ना यार, वो छूट जाएंगे। बहुत सारे अच्छे मैसेज आते थे, पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बट वो कहीं ना कहीं अब वहाँ रह गए। अब रही बात उनकी जो TikTok के बैन होने से खुश हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी देशभक्ति है। तो भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी सी बस सच बोलूंगा कि जो लोग खुश है ना TikTok के बैन से, उनमें से ज्यादातर लोग Xiaomi, Oppo, Vivo यूज कर रहे हैं। वो लोग खुद चाइनीज फोन्स पे डिपेंड हैं और वो लोग देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। चूतिया लिखा है क्या? यार तुम ना अलग ही नस्ल के दोगले हो। अगर तुम वो फोन्स तोड़ दो ना, वो ओप्पो वीवो Xiaomi वगैरह, तब मैं मानूंगा कि तुम सच्चे देशभक्त हो, ना ही सिर्फ TikTok की घंटियां बजाने से कि TikTok बैन हो गया तो आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। अब आते हैं वो लोग जो खुद TikToker थे, खुद TikTok पे थे बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल TikTokers थे उनसे बहुत ज्यादा जलते थे, बट अब उनके दिल की तमन्ना पूरी हो गई, TikTok बैन हो गया, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम गांडू हो, गांडू गांडू।
यार देखो मैं अपना पर्सनल किस्सा बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अपने पे स्टोरी देखता था एक लड़की की, वो ऑलमोस्ट रोज एक टिकटॉक बनाता था, कभी लड़कियों के साथ कभी खुद के साथ, मतलब आजादी के जमाने से वो टिकटॉक बना रहा था। मैंने कल उसका स्टेटस देखा, उसमें लिखा था वाओ गाइस फाइनली टिकटॉक बैन हो गया। भाई तू कल तक टिकटॉक बना रहा था? इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। चलो टिकटॉक बैन हुआ, वो नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में बैन हुआ, चलो सही हुआ। बट गाइज आप लोग जो नफरत दिखा रहे हो टिकटॉक बैन हो गया वो खुशी दिखा रहे हो, देखो मैं बुरे क्रिएटर्स की तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे केले बहुत पसंद है, मैं खाने वाला था दूध के साथ, तो मेरी बहन और मेरे भाई छीन के ले गए, आधा तोड़ दिया, ये देखो क्या दुर्दशा कर दिया केलो। ब्यूटी खान वगैरह की टिकटॉक पे कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी थे, जैसे बाबा जैक्सन जो मैंने देखा था, वो बंदा यार बहुत गरीब बैकग्राउंड से आया था और वो बहुत टॉप पे पहुंचा। अब सोचो कोई बंदा, गरीब बंदा अगर टिकटॉक से फेमस हो रहा है, जो कि बहुत सारे लोग हुए थे, बहुत सारे लोगों ने दो चार पैसे आ रहे हैं, एक मिडिल क्लास आदमी के घर पे अगर थोड़ी सी तारीफें आ रही हैं, खुशी आ रही है, लोग उसके बच्चे को किसी माँ बाप के सामने अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यार इसमें बुरा क्या है? अब सोचो उनकी बात, जिन बेचारों ने जो गरीब लोग हैं उन्होंने अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के फोन्स लिए होंगे टिकटॉक के लिए कि हम अच्छा कंटेंट देके हम भी फेमस हो सकते हैं जैसे बाबा जैक्सन फेमस हुआ। अब उनके सपनों का क्या यार, आप लोग खुशियां मना रहे हो। जो बुरे क्रिएटर्स हैं उनको गाली बको कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बुरा हूं तो मेरे को भी गाली बको, यहां डिसलाइक कर देना, वो मेरे को पता है यहां डिसलाइक बहुत आएंगे। बट एक बार हाथ जोड़ के वो तो सुन लो कि जो बेचारे गरीब जिन्होंने फोन्स वगैरह में इन्वेस्ट किया था उनका क्या। एक आदर्श कुमार था शायद, वो भी बहुत अच्छा क्रिएटर है, तो यार ये लोग ना बहुत छोटी जगह से आके बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे थे। अब जाल से क्या होगा, आपने टिकटॉक बैन कर दिया चलो सही है, बट आप लोग जो खुशी मना रहे हो ना उनके दिल में और ज्यादा दर्द होगा, कुछ नहीं करेगा गरीब आदमी, सपने देखना छोड़ देगा क्योंकि सपने तो टूट गए टिकटॉक बैन हो गया। वो क्या करेगा कि उसकी जो सोच है कि यार हम तो आगे निकल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये अमीर लोग यार यूट्यूब पे वो आके नहीं करियर बना सकते। अब आप लोग कहेंगे सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो भाई जब घर में दो रोटियां नहीं होती ना, जब पैसे नहीं होते, तो मैं वहीं से आया, मेरे को पता है वहाँ कैसा, जब पैसे नहीं होते तो आप लोग ये मत करो कि YouTube पे कंटेंट डालता रहे। TikTok के लिए टाइम निकल सकता था गरीब पे, बट YouTube के लिए नहीं निकल सकता, और क्या कंटेंट डालेगा यार वो, तो चलो वो छोड़ो। बट जो वैसा क्रिएटर था वो क्या करेगा यार, वो तो कुछ नहीं, नौकरी पकड़ ले 8-10 हज़ार रुपए की, वैसे ही सपने देखना छोड़ देगा। और जब कोई दूसरा पूछे कि भाई मैं कभी फेमस हो सकता, नहीं यार मैंने भी सोचा था, उसको और डीमोटिवेट कर देगा। तो यार जो नफरत दिखा रहे हो वो सही है, बट मैं ये चाहूंगा कि टिकटॉक बैन हो गया सही है, बट आप लोग प्लीज इतनी ज्यादा हेट मत फैलाओ वाओ गाइस टिकटॉक बैन हो गया। बहुत सारे लोगों के सपने टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे, बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू आए हैं। यूट्यूब भी प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बट टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म था। अच्छे कंटेंट वालों की बात कर रहा हूँ, मुजरे उजरे वालों की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप लोगों को, मेरे को पता है इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा डिसलाइक आएंगे, बट एक बारी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोच के देखना, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की साइड ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। इतना कहूँगा कि यार अगर आप किसी की नाकामयाबी देख के खुश होते हो ना, तो भाई प्रॉब्लम आप में है, उनमें नहीं है, बाकी कोई गिले शिकवे नहीं है। मैंने वहाँ भी मेहनत करी थी, यहाँ भी मेहनत करूँगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया तो शंकर को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो यार मैंने कभी टिकटॉक से पैसा कमाया ही नहीं, मैं ब्लॉगिंग 2018 से कर रहा हूँ, जब से आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो मेरी तो छोड़ ही दो। आप लोग अपनी फिक्र करो, आपको उसी नौकरी पर जाना है जिससे आप प्यार नहीं करते, आपको उसी बॉस की सुननी है जिससे आप नफरत करते हो। मेरे को क्या करना है, मैं अपने घर पर हूँ, अपने घर वालों के साथ हूँ, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अपनी मर्जी से कंटेंट बनाता हूँ, किसी की नहीं सुनता, तो यार मैं तो मस्त जी रहा हूँ। आप लोग अपनी सोचो, मैं टिकटॉक से कभी पैसा कमाया नहीं, तो यार मेरा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, मेरी बस नुकसान जो हुआ वो मेरी जो जनता छूटी और कुछ नहीं, और वो जनता भी धीरे धीरे ढूंढ के आ जाएगी। और हाँ गाइस एक और चैनल स्टार्ट कर दिया दुष स्पीक्स करके, उसमें क्या है, जैसे मैं हूँ रियल अनफिल्टर्ड एकदम रॉ वैसे ही बोलूँगा, गाली गलौज भी हो सकती है, बट अगर आपको नहीं सुननी तो मैं नहीं करूँगा। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं है तो फिर मेरे को डिसलाइक्स तो एक्सपेक्टेड है इस वीडियो पे, क्योंकि मैंने
टिकटॉक का जो सपोर्ट कर दिया। सन्नी लियोनी, हेलो गाइस, आई एम निया खलीफा। मैं कहना चाहता हूँ ना कि यार हमें फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पोस्ट करो और वीडियो वायरल करो, व्यूज बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ।